हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुमकुम किचन्स में। और आप देखकर ही समझ गए होंगे कि हम आज बनाने वाले हैं पानी पूरी की रेसिपी, और बहुत ही क्रिस्पी हम यहाँ पानी पूरी बनाने वाले हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल हम आज पानी पूरी बनाएंगे, और इसके लिए मैं आपको बहुत ही परफेक्ट पानी पूरी बनाने की टिप्स भी बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पानी पूरी के साथ हम बनाएंगे पानी पूरी के साथ खाए जाने वाले मटर और पानी पूरी का पानी, साथ ही साथ हरी चटनी और इमली की चटनी भी हम बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना, और यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम पानी पूरी के लिए डोह तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बर्तन में मैंने यहाँ ली है 1 कप सूजी। तो सूजी मैंने यहाँ मोटी वाली ली है, और इस पर हम डालेंगे 4 टेबलस्पून मैदा। तो और हमने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा ही हम इसमें डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से हाथों से। अब हम इसे गूंधेंगे। तो गूंधने के लिए जो पानी हमने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही गर्म पानी है, तो आप इसे गर्म पानी से ही गूंधिएगा। इस बात का ध्यान रखें, आपको डोह गर्म पानी से बनाना है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ डोह बना लिया है। रोटी के आटे से थोड़ा सा टाइट डोह हम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट डोह नहीं बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब सूजी फूलती है तो डोह अपने आप ही टाइट हो जाता है। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है, इसको हम एक बार और हाथों से मसल लेते हैं। तो हाथों से मसल कर आप इसको इस तरीके से एक बार और गूंद लीजिए। अब हम इस तरीके से बड़ी लोई लेंगे, और इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर हम इसको बेल लेंगे। तो बिल्कुल रोटी के जितना हमें बेलना है, रोटी से थोड़ा सा थिक हम इसको बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला हम इसे नहीं बेलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इसे हम मोटा भी नहीं बेलेंगे। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ बेल कर तैयार कर लिया है। अब एक हमने यहाँ पर कुकी कटर लिया है गोल शेप का, और इससे हमने इसे काट लिया है। जो ये बचा हुआ डोह है इसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे। अब इन्हें एक तरफ कर देते हैं, और एक एक पानी पूरी को हम इस तरीके से लेके बेलन चला देंगे। देखिए इस तरीके से आपको इसको बेलन चलाकर सब तरफ बराबर बेल लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ सभी पर बेलन चला लिया है, और अब हम इसको एक गीले कपड़े में फैलाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कपड़ा बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, कपड़े को आप पानी में डालकर निचोड़ लीजिए जिससे कि उसका सारा पानी निकल जाए। कपड़े में सिर्फ हल्की सी नमी होनी चाहिए, और इसके ऊपर हम पानी पूरी को एक एक करके दूर दूर डाल देंगे। कपड़ा यदि ज़्यादा गीला होगा तो हमारी पानी पूरी उसमें चिपक सकती है, और ऊपर से भी हम एक कपड़ा डाल देंगे जो कि हल्का गीला है। और इस तरीके से हम पानी पूरी को ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी पानी पूरी रेस्ट कर रही है तब तक हम इसके लिए मटर तैयार कर लेते हैं। तो मटर के लिए मैंने यहाँ पर मटर लिए हैं, इसको मैंने 4 से 5 घंटे पानी में भिगोकर रखा था। भीगे हुए ये मटर हैं, 2 कप मटर मैंने लिए हैं, और कच्चे आलू हैं जिनको कि मैंने छिलका उतार लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 कप पानी, और इसमें मैंने डाली है 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, और इसे ढक्कन लगाकर हम 5 से 6 सीटी आने तक पकने देंगे, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो देखिए इसमें 5 से 6 सीटी आ गई है। कुकर को हम ठंडा होने के बाद खोल लेते हैं। तो देखिए ये कितने अच्छे से पककर तैयार हो गया है। तो हमारे पानी पूरी के लिए जो मटर है बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इसी तरीके से हमें ये चाहिए। अब हम इसको ढक्कन लगाकर रख देते हैं, और अब हम तैयार करेंगे पानी पूरी का पानी। तो चलिए पानी तैयार करते हैं। पानी तैयार करने के लिए यहाँ मैंने हरी चटनी ली है। इस चटनी को मैंने पुदीना, धनिया, इमली और हरी मिर्च पीस कर तैयार किया है। 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच पानी पूरी मसाला, 1/2 चम्मच हींग और 1 चम्मच लाल मिर्च मैंने यहाँ डाली है। काला नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हम सादा नमक डालेंगे। इसमें हम 2 से 2.5 लीटर पानी डाल लेते हैं। नमक और मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्योंकि हमने हरी चटनी में इमली भी पीस ली थी, तो मैंने यहाँ पर मैंने कोई भी खटाई इस्तेमाल नहीं की है। और देखिए हमारा पानी रेडी हो गया है। नमक मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी बूंदी डाल देंगे, और हमारा पानी तैयार है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा ठंडा करने के लिए इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप यदि हरी चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। देखिए हमारी जो पानी पूरी है अच्छे से फूल गई है, तो अब हम इनको उठा लेते हैं। एक घंटे रेस्ट के बाद अब हम इनको तलेंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म है, देखिए इसे इस तरीके से सेक लेना है। और जो पानी पूरी हमारी इतनी परफेक्ट बन रही है उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले पानी पूरी में हमने जो कपड़े से उठाया था, तो कपड़े से नीचे की तरफ जो पानी पूरी का भाग था उसी को लेकर हमें तेल में डालना है इसे। और तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। एक एक पानी पूरी को दबाते हुए आपको इसे फुलाना है। तो जितनी पानी पूरी आप मैनेज कर सके उतनी ही आप तेल में डालिएगा, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालिए, और इसे अच्छा क्रिस्प होने तक सेकिएगा। तो देखिए हमारी जो पानी पूरी है तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से आप सारी पानी पूरी जरूर बनाएं। और एक बात का ध्यान रखें, आप पानी पूरी बेलने के बाद में उसे रेस्ट जरूर दीजिएगा। एक घंटे के लिए आप उसे कपड़े पर जरूर रखिएगा, गीले कपड़े पर, नहीं तो आपकी पानी पूरी फूल तो जाएगी लेकिन वह क्रिस्प नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो देखिए इतनी फूली फूली हमारी जो पानी पूरी है वो तैयार हो चुकी है। तो हमारी पानी पूरी भी तैयार है, इसके लिए हमने मटर भी तैयार कर लिए हैं, पानी पूरी का पानी भी तैयार हो गया है, साथ ही साथ हमने मीठी इमली की चटनी और हरी चटनी भी तैयार कर ली है। तो अब देर किस बात की, आप इस पानी पूरी को बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घर पर बैठकर एंजॉय कीजिए। और यदि आपको हरी चटनी और मीठी चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। इस रेसिपी को आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। और यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए विद नोटिफिकेशन बेल। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी अगली रेसिपी लेकर फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।